आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीजन में 40 लाख रुपए के कामों का इनॉग्रेशन किया गया है। एक सीसी रोड है 8 लाख रुपए की, और एक एक पानी की लाइन है, और एक एक क्या बोलते हैं सीसी रोड है। ये ACDP फंड के जरिए हुआ, और एक एक NP2 पाइपलाइन है। ये टोटल लागत इसकी 40 लाख रुपए की है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और इस हलके के कॉर्पोरेटर जनाब मुबीन साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोहतरमीन वर्कर्स अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं। जो महल्ले का डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो डेवलपमेंट जो सहूलत आवाम को मिल रही है, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वर्कर को सारा क्रेडिट जाता है। उनकी नुमाइंदगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आज महलों में अच्छे काम हो रहे हैं। और सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वर्कर है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर वर्कर को संगात लेकर चले जा रहा है। उनकी नुमाइंदगी के ऊपर, उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, वो लोग सदा आवाम के दरमियान में रहते हैं और आवाम के साथ रहते हैं, आवाम की तकलीफ़ को समझते हैं। वो सारी चीज़ें देखते हुए नुमाइंदगी की जा रही है हर डिपार्टमेंट को। GHMC होने दीजिए, या वाटरवर्क डिपार्टमेंट होने दीजिए, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होने दीजिए, जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को नुमाइंदगी की जा रही है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से। और हमारे काम सैंक्शन होकर आ रहे हैं और महल्ले में डेवलपमेंट हो रहा है। और भी इंशाल्लाह ताला इनॉग्रेशन बाकी है। जो भी डेवलपमेंट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में होना चाहिए, वो हर काम के अंदर मैं मेरे पूरे कॉर्पोरेटर्स बहादुरपुरे के, पूरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरे के वर्कर्स मिलजुल कर काम कर हम हमारे एरिया को डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला और भी काम बाकी होंगे करेंगे।